हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूरी और शादी सीजन शुरू हो गया है तो आज मैं जा रही हूँ फंक्शन में। फंक्शन है जो बासन वाला फंक्शन होता है, कलश वाला फंक्शन। तो आज मैंने वियर किया है राजपूती लुक, तो साथ में मैंने पहनी है राजपूती ड्रेस और राजपूती ही ज्वेलरी। तो उसका मैं मेकअप और पूरा जो ज्वेलरी है वो सब का आपको मैं डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। तो कैसा लग रही हूँ मैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये मेरे साथ है मेरी छोटी बेटी माही और हम फंक्शन में जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहनी है ऑरेंज कलर की राजपूती, ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली है। और मेरा जो मेकअप लुक है वो मैंने ज़्यादा हैवी नहीं किया है क्योंकि दिन का प्रोग्राम है, तो मैं मेकअप कंप्लीट हो चुका है, मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आर जो है वो पहन चुकी हूँ और मैं पहन रही हूँ अपनी हाथ की ज्वेलरी। ये ज्वेलरी भी लोकल मार्केट की है, जनरली सबको ये ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। तो सबसे पहले मैंने एक लाख का जो कड़ा है वो डाल लिया है। लाख का आपको हमेशा पहने रहना चाहिए ऐसा मामा बोलती है। और उसके बाद मैं ये ज्वेलरी पहन रही हूँ हाथ की। ये देखिए दोनों तरफ से ओपन है, जैसे आप हाथ ऐसे घुसाइए और अपने हाथ के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। सबको ये जो ज्वेलरी है वो बहुत सुंदर लगती है, जनरली जब भी मैं ये पहनती हूँ मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं और मुझे खुद को भी ये बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ ही जो रिंग है वो भी इसी के साथ अटैच है। मैं आपको अपना पूरा वो दिखा देती हूँ, आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको अपने हाथ के अकॉर्डिंग। और साथ में नीचे यहाँ पर इसकी झालर लगी हुई है। अब मेरे जो हेयर स्टाइल है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हेयर स्टाइल में रखड़ी के साथ एडजस्ट करूँगी क्योंकि राजपूती ज्वेलरी के साथ रखड़ी बहुत अच्छी लगती है। उससे पहले मैं आपको मेरा जो पूरा लुक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने दुपट्टा जो है अभी एडजस्ट नहीं किया है, बस जस्ट मैं इसको हल्का सा पिनअप करूँगी, दुपट्टे को भी ज़्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ। सिंपल सी मेरी जो राजपूती है उसके ऊपर मैंने अच्छा खासा ज्वेलरी है उसको कैरी किया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है। मेरा जो फाइनल लुक है वो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट बस मैंने लास्ट में नथ पहन ली है। राजपूती के साथ नथ बहुत अच्छी लगती है। और बस मेरा ये लुक पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं कैसी लग रही हूँ आपका, इसका मेकअप जो लुक है वो मैंने शूट नहीं किया है, मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने बस फटाफट से मेकअप कर लिया। उसके बाद जो ज्वेलरी पहनते हुए मैंने किया था, मैं आपको लाइट में दिखा देती हूँ मेरा मेकअप। मेरा कैमरा था वो थोड़ा उसमें डार्क में था तो इसलिए शायद आपको दिख नहीं रहा था। और बस बिंदी की कमी है, मैं बिंदी लगा लेती हूँ लास्ट। इसके साथ मैंने देख सकते हैं कि बड़े वाले झुमके पहने हैं, आड़ पहनी है, बड़ा वाला जो मंगलसूत्र जो जनरली शादी के बाद उस टाइम पे पहनते हैं वो मंगलसूत्र पहना है। और ये बस बिंदी भी लग गई और मेरा फाइनल लुक कंप्लीट हो चुका है। ससुराल फंक्शन है तो मैं जो है वो थोड़ा सा घूंघट भी लेने वाली हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, फाइनली या बाजू का टाइम आ गया। ये बाजू हैं जो राजपूती ज्वेलरी के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं, राजपूती के साथ पहनने ही होते हैं, शायद कंपल्सरी वाली ज्वेलरी है ये। और मेरे पास बहुत ही सुंदर से बाजू है, बहुत ही इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारी है। इनमें लड़ होती है नीचे, ऐसे बोलते हैं ना टूटे बाजू बंदी लूम जो होती है वो, तो वो लूम है। और यहाँ पर एक नॉड होती है, उसको आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ, तो आप टाइट या लूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो या मैं एक हाथ से इसकी जो लूम है वो पकड़ रही हूँ, थोड़ा सा टाइट है। या ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा बाजू, मैंने जस्टली इसके ऊपर इसको टाई किया है। और मैं दोनों ही बाजू पहन रही हूँ, कोई कोई सिर्फ एक ही बाजू पहनना पसंद करता है, कोई दोनों पहनते हैं। तो मैं आज मैंने हैवी लुक किया है तो मैं दोनों ही पहन रही हूँ। और या आपको मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है, मुझे ये मेरी जो राजपूती ज्वेलरी है पूरा ही सेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज या क्लोज वन की शादी है इसलिए मैं इतना तैयार हो रही हूँ। शायद किसी की शादी में मज़ा आता है, क्या टाइम मिलता है यार तैयार होने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना और रेडी होना। मेरा जो फाइनल लुक अब तो हो ही गया है फाइनल, या अभी दोनों बच्चियाँ जो हैं उनको मुझे रेडी करना है, मेरी दोनों गुड़िया। और फाइनली हम फंक्शन में पहुंच गए हैं। मेरे साथ है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, मेरी सबसे बड़ी ननंद, और मैं यहाँ पर बस इनका पिन एडजस्ट कर रही हूँ। बाजा आगे निकल गया, हम पीछे ही रह गए हैं। बड़ी दीदी।